जब भी INS इम्फाल अपने सेलिंग पर जाता है और ऐसे समय पर यदि कोई ऑफिसर या क्रू बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज के लिए सिक बे में लाया जाता है, यानी एक छोटा हॉस्पिटल जो INS इम्फाल में बना हुआ है। इसमें मेडिकल ऑफिसर हैं जो कि अपनी टीम के साथ पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, और आपको हम अंदर लेकर आए हुए हैं कि सिक बे में किस प्रकार की सुविधाएं होती हैं। इस आप चैम्बर को देखिए, एक हॉस्पिटल जैसा, एक हॉस्पिटल के कमरे जैसा ही यहाँ पर नज़र आएगा। और देखिए, ट्रीटमेंट के लिए जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है ये तमाम इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं, उनकी टीम भी होती है। हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर चैतन्य झा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। चैतन्य जी, नई शिप और नई जिम्मेदारी, सिक बे एक हॉस्पिटल हमें नज़र आ रहा है, ज़रा इसके बारे में बताएं कि किस प्रकार का रोल होता है और किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। ज़रूर, तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे शिप का सिक बे है। सिक बे में हमारे पास दो बेड हैं और एक एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर टेबल है। एडवांस्ड ऑपरेशन लाइट्स भी हैं। हम ऑन बोर्ड सारे मेडिकल और सारे सर्जिकल इमरजेंसीज का इलाज कर सकते हैं। सर, एक बार में किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, जैसे आप कोई मिशन पर गए तो किस प्रकार के कंप्लेंट्स आते हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या होती है, और कोई सीरियस अगर इंजर्ड होता है तो या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हैं? तो जनरली हमारे पास जो केसेस आते हैं वो जनरली ट्रॉमेटिक केसेस आते हैं, फ्रैक्चर केसेस आते हैं, चेस्ट पेन केसेस आते हैं, पेट में दर्द वाले केसेस आते हैं। बट हम उसको पहले इवेल्युएट करते हैं, हमारे पास इवेल्युएशन के लिए सारे टेक्निक्स हैं, और फिर हम उसका इलाज करते हैं। हम ऑन बोर्ड, जैसे मैंने बताया आपको पहले, कि हम सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली टेलीमेडिसिन नामक फैसिलिटी का इंटीग्रेशन किया है शिप पे, जिससे हम सैटेलाइट लिंक के थ्रू हम हमारे जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं हम उनके साथ इनका कंसल्टेशन और उनका हेल्प ले सकते हैं। तो हम जो भी एग्जामिनेशन करते हैं वो हम वहाँ पर जाता है, एंड वी गेट द ओपिनियन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन टर्शरी हॉस्पिटल्स। सर, कितने लोग आपकी टीम में हैं, कितने ऑफिसर्स या कितने मेडिकल स्टाफ कितना है, और क्या आप लोग अन्य जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी भी मदद लेते हैं, या ये बहुत कम ही आवश्यकता पड़ती है ऐसी जगहों की? आवश्यकता तो कम पड़े तो अच्छी बात है, बट डेफिनेटली हमारे पास, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक ही मेडिकल ऑफिसर रहता है शिप पे, मेरे साथ दो और मेरे मेडिकल स्टाफ रहते हैं, और हमारा यही स्ट्रेंथ तीन होता है शिप पे सारे मेडिकल स्टाफ का। जैसे आपने कहा कि इक्विपमेंट्स आप तरह तरह के सभी कैरी करते हैं, किस प्रकार की तैयारी के साथ आप लोग निकलते हैं? जैसे ये शिप की क्षमता है कि 42-45 डेज तक शिप पानी में रह सकता है, सेलिंग कर सकता है, तो आप लोग किस प्रकार के इक्विपमेंट अपने साथ कैरी करते हैं? तो हमारे पास तीन टाइप के अलग अलग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स होते हैं, सात अलग अलग टाइप के सिलेंडर्स होते हैं, और हमारे पास डिफिब्रिलेटर, मल्टीपारा मॉनिटर, ECG मशीन, जो लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट जिसको बोलते हैं, वो सारे हैं हमारे पास, और दे आर टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट्स। इसके साथ साथ हमारे पास 6 से 8 महीने तक का मेडिसिन भी हम लेके चलते हैं, कि अगर सेलिंग एक्सटेंड हो जाए या किसी की ज़रूरत पड़े या हमें किसी को असिस्टेंस देना पड़े, हमारे पास 6 to 8 मंथ्स का स्टॉक रहता है, एडिक्वेट मेडिसिन हम लेके चलते हैं हमारे साथ। सर, सिक बेग में ज़रूरत ना ही पड़े तो बेहतर, लेकिन क्या आप लोग फिर समय समय पर मेडिकल जाँच भी या कोई मेडिकल कैंप भी लगाते रहते हैं या रूटीन चेकअप भी करते रहते हैं, ऐसी कोई फैसिलिटीज़ यहाँ होती जी? एज इंडियन नेवी हमेशा मेडिकल कैंप्स और इसको इंकरेज करते हैं, वी ऑलवेज हैव मेडिकल कैंप्स, एंड हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हर साल एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एवरी सेलर और एवरी ऑफिसर का। सर, बायो डिस्पोजल को डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या फैसिलिटी है यहाँ पर? हमारे पास एक लिंक है, बायोमेडिकल का अलग डिपार्टमेंट देखता है, बट हमारे पास हम वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं एंड वी हैंड इट ओवर टू द कंसर्न अथॉरिटी, और फिर वो सेग्रीगेट करके आगे भेज देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चैतन्य झा, मेडिकल ऑफिसर INS इम्फाल के, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी, उनके दो और टीममेट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी क्रू के ज़रूरी मेडिकल इलाज को उपलब्ध कराएं। और आप देखें यहाँ पर आधुनिक एक ऑपरेशन के रूम भी यहाँ पर तैयार है, ऑपरेशन बेड भी है, यहाँ पर दो बेड हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो एक छोटा हॉस्पिटल है और आवश्यकता अनुसार 6 से 8 महीने की दवाइयों के साथ और जितने भी जीवन आवश्यक दवाइयाँ हैं, इलाज ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, सभी इस यहाँ पर इस सिक बे में, यानी इस छोटे से हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और यही खूबी खासियत इस INS इम्फाल को अपने आधुनिक डिस्ट्रॉयर जहाज में से एक बनाती है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, ABP News, मुंबई।